सड़क दुर्घटना में 3 की मौत, 1 घायल। रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में सैफनी चौकी के पास सड़क किनारे बाइक के पास खड़े 4 युवकों को गन्ने से भरे ट्रक ने रौंदा। 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल 2 युवकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से रास्ते में एक और युवक ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के अनुसार जिला अस्पताल पहुंचाए गए 2 युवकों में से 1 की मौत हो चुकी थी, वहीं 1 का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। देर रात शाहबाद के सैफनी चौराहे के पास गन्ने से लदे ट्रक ने सड़क के किनारे बाइक के पास खड़े 4 युवकों को रौंद दिया। मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल 2 युवकों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। एक अन्य युवक ने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। क्या घटना है? ये ट्रक वाले ने मार दिया। आपके कौन लगते हैं वो? साले था। तो ट्रक कहाँ से आ रहा था? ये बिलारी साइड से आ रहा था। क्या नंबर था? UP 21 M 6111। अच्छा, ट्रक को कब्जे में कर लिया है? भाग गया? ट्रक कब्जे में कर लिया है। कब्जे में कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस चौकी में ट्रक है, खाली ट्रक है जी सर। और ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर भाग गया, वो हाथ नहीं आ पाया जी। अच्छा, ट्रक में कुछ था या खाली था? गन्ने से लोडिंग था। गन्ने से लोडिंग था? ओवरलोडिंग था। ओवरलोडिंग था। फिलहाल ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस ने पंचनामा भर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में जिला अस्पताल के EMO सिराज अहमद ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों को जिला अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 1 मृत अवस्था में था, वहीं दूसरे का उपचार किया जा रहा है। हमारे पास तो 2 आए, जिसमें से एक एक्सपायर था ऑलरेडी पहले से, और दूसरा ठीक है अभी, हमने उसको एडमिट करके उसका इलाज कर रहे हैं। और 2 पेशेंट और हैं, वो उनको ब्रॉड डेड थे, वो भी उनको जेल में रखवा दिया गया। 3 एक्सपायर हो गए। 3 एक्सपायर हो गए। अन्य 2 युवकों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है।